गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा त्रिउंड का ट्रिक है। सो या वी ऑल आर लीविंग फॉर द ट्रिक राइट नाउ। इट व्हाट इज द टाइम? 10 एग्जैक्टली। इट्स एग्जैक्ट 10 एंड वी ऑल आर लीविंग फॉर द ट्रिक नाउ। क्लाइमेट एज इफ नाउ कल से काफ़ी बेटर है, बट ठंड है एंड दैट्स द स्लोप। ये बहुत ज़्यादा ही स्लोप है और ये मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। सो जैसे जैसे अभी तो होटल से निकले हैं, जैसे जैसे आगे ट्रैक शुरू होता है मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा जितना हो पाएगा उतना, क्रॉस ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी लेट्स सी यू देयर गाइस। पीस आउट। बिगनर्स के लिए जिनका फर्स्ट टाइम ट्रैक है उनको थोड़ा लगेगा। और फर्स्ट टिप, बातें कभी मत करना ट्रैक करते टाइम, चुपचाप चलते जाओ। भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ चुप हो जाइए, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, इट्स माय जॉब। ओह माय गॉड, यहाँ वो मीम डाल दूंगा। ओह माय गॉड। और आप ट्रैक करने आओगे ना तो सही रास्ता पता करने के लिए ना आपको यहाँ पे एरोज मिलेंगे। चेक पॉइंट नहीं आया अभी तक। और ट्रैक करने के लिए चेक पॉइंट पे आपको पहले आधार कार्ड वगैरह अपनी आईडी सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका रूल होता है, इन्हें पता रहता है, इन्हें पता रहता है कि कितने लोग ऊपर गए ताकि कोई नहीं आ पाया तो रेस्क्यू के लिए जा सके। लाइफ इज व्लॉगिंग, व्लॉगिंग इज लाइफ, लाइफ इज झंड और हमारी लाइफ हो गई झंड। ओ भी लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। एक और एरो, इट मीन्स वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। डिस्कवरी फेल कर देगा, कहेगा डिस्कवरी वालों ने भी इतना नहीं दिखाया था जितना मैं दिखा दूंगा व्लॉग में। साला एक एक पत्थर की जांच दिखा दूंगा। इंडिया टीवी और डिस्कवरी दोनों फेल। गाइज हम लोगों ने काफ़ी हद तक तो ट्रैक कवर कर लिया, बट अब भैया कह रहे हैं काफ़ी स्टीप है आगे। मैं सर्टिफाइड ट्रैकर हूँ, सर्टिफाइड। ये भैया हमारे से मज़े लेते हुए, ज़्यादा मज़े मत लो कभी हमारे मज़े बन जाएं। गाइज अब हम धीरे धीरे बर्फ के पास पहुंच गए हैं, बर्फ़ हम लोगों को दिखनी शुरू हो गई है। भैया उधर ट्रैक गाइड जो है वो बोले भैया बर्फ़ फेंक रहे हैं। अबे गधे, कैमरा इस तरफ है। भेड़िए के पैर दो। ये नवाब साहब का आराम। नवाबी नहीं छूट रही है तो क्या? अंगूर होते हैं इसकी जगह, अंगूर होते तो कुछ और बात होती। वो है जहाँ हमें जाना है, हमारा मिड पॉइंट, और त्रिउंड कहीं और ऊपर है। तो काफ़ी स्नो तो बहुत ज़्यादा है, शायद हम ना ही जाएं। ये बर्फ है और यूं धोते हुए मेरा चेहरा, मेरा चेहरा, आंखें तो रुक जाओ, आंखें कहीं और
गाइस फाइनली आधे रास्ते तक हम तो आ ही गए, इससे ऊपर तो अलाउड ही नहीं है, बर्फ इससे ज़्यादा है। ये सब फन करते हुए और वो स्ट्रगल करते हुए गाइस हम लोगों ने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया त्रियुन का, इससे ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो और ये आप देख लो मैजिक व्यू, ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984, बाकी टाइम लैप्स उधर बनी रहा है मेरा। हैशटैग सीन्स बादल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेटीएम वगैरह हो गया न्यूज़ नेटवर्क आएगा क्या नाम क्या था धर्मकोट, सॉरी नीचे धर्मकोट ऊपर हम गाइस। हम लोगों का नाश्ता पानी चालू है और धुन कुछ नहीं दिख रहा, क्लाउड्स ही क्लाउड्स है हर जगह। नीचे का व्यू देखो गाइस, बहुत रिस्की है बॉस। It's my first snowfall experiencing. बहुत मजा आ गया गाइस। गाना पाजो यहाँ पे। ओ तेरी ऐसी कितना ऐसी, अबे गाना कर बाकी गाना चला दे यार। गाइस बहुत सही है भाई, फोन से एक्सपीरियंसिंग बहुत सही है। मेरा चार्ज हो रहा है फोन, मेरा नेट दिखा दो। नाच चलो यार गाइस, जिस चीज के लिए हमने आए थे यहाँ पे मैक्लोडगंज त्रियुंड के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए, बहुत सही एपिक, हमने मजे ले लिए। आप बैठे बैठे मुर्गी बन गई है, वहाँ ले लो, बेस्ट एक्सपीरियंस है। इधर स्नो मिल जाए कोई बात नहीं, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना लाइफ में बहुत सही एक्सपीरियंस होता है वो। गाइस हम लोगों ने नीचे का ट्रैक शुरू कर दिया, ऊपर काफ़ी धुंध थी, स्नो भी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी हो रही है। अब हमारे नीचे का उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, नीचे उतरना हमारा थोड़ा मुश्किल हो गया। जैसे आप देख रहे हो स्नो बहुत ज़्यादा है, सबने रेनकोट डाल ली क्योंकि नीचे अगर यहाँ स्नो है तो नीचे बारिश होगी। काफ़ी टफ हो रहा है, बारिश पड़ रही है, स्टोन्स जो हैं वो थोड़े स्लिपरी हो रहे हैं, कीचड़ कीचड़ हर जगह फैली हुई है, नाक से पानी भी बह ही जा रहा है, ठीक है, बट इट्स वर्थ इट, ट्रैक वॉज वर्थ इट, सही था। मिड पॉइंट तक गए, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करी, स्नो में खेले कूदे सब करा, अच्छा लगा, मज़ा आ गया। लोग आ गए हैं नीचे, अब बस अपने होटल वाली जो चढ़ाई है जरा सी वही है, सामने होटल है और अब ये देखो पीछे, हम वहाँ से उस तरफ से कहीं से आ रहे थे जो हमें स्नोफॉल होती हुई दिखी है, वहाँ से ऐसे करते हुए नीचे आए। ये देखिए काला कुत्ता, ये बताना था पहले, ये भी कहता ना अपने लौटने बैठे, ठीक है अपने लौटने राधे आपत्ति कसम।